उसे। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार को रिसेंटली एक पॉपुलर बॉलीवुड मैगजीन के एनिवर्सरी इश्यू को अनवील करते हुए देखा गया, जिसके कवरेज पर अक्षय उनकी वाइफ ट्विंकल के साथ नजर आ रहे हैं। यहां अक्षय ने मीडिया से इंटरेक्ट किया और अपने गुड विशेस दिए। नेहा धूपिया रिसेंटली नजर आई मुंबई के एक रेडियो स्टेशन में, जहां वो उनकी फिल्म गांधी टू हिटलर को प्रमोट करने आई थी। यहां नेहा ने इस फिल्म के बारे में काफी बातें की और अपने कैरेक्टर के बारे में बताया। पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रही हैं फिल्म दाल में कुछ काला है के साथ, और हाल ही में इस फिल्म का मुहूर्त हुआ जहां मौजूद थे शक्ति कपूर, विजय राज, पाकिस्तानी ड्यूओ इरफान मलिक और अली हसन। वैसे इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आनंद बलराज। बॉलीवुड की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म गांधी टू हिटलर का हाल ही में प्रीमियर हुआ, जहां नजर आई फिल्म की एक्ट्रेस नेहा धूपिया और बाकी कास्ट। आइए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। समीरा रेड्डी कुछ दिन पहले काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि वो उनकी तमिल फिल्म वेदी की शूटिंग कोलकाता के दक्षिणेश्वरी काली टेंपल में करने वाली थी, लेकिन वो शॉक्ड रह गई जब परमिशन ना मिलने की वजह से शूटिंग कैंसिल हो गई और प्रोड्यूसर को 5 लाख का नुकसान उठाना पड़ा।